इसका श्रेय मैं अरबाज सर, असलम सर और खास करके धर्मेश सर को देना चाहूंगा। मैं ये ट्रॉफी धर्मेश सर के हाथ से फिर से लेना चाहूंगा सर। सिर्फ मेरी जर्नी के बारे में बात करूंगा। नाम है विपुल चावड़ा, वैसे मेहसाणा से बिलोंग करता हूँ, गुजरात का ही हूँ। मेरा जन्म हुआ था पाटन, पाटन मेरा स्टडी वही हुआ, LLB किया, वकालत के लिए मैं मेहसाणा आया। करीबन 7 साल मैंने वकालत की, फिर मेरे ब्रदर जो आपने सुना आईपी चावड़ा था, वो मेरे बड़े भाई है, उन्होंने नेटवर्क कंपनी स्टार्ट किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप वकालत के साथ ये नेटवर्क कंपनी भी करना शुरू करो। मगर कई सारे लोगों के माइंड में होता है ना कि ये तो उल्लू बनाने का धंधा है, ये तो बाटली में उतारने के, ये डाढ़ी में हाथ डालने जैसा धंधा है। वो सोच मेरी भी थी, इसीलिए मैंने शुरुआत नहीं किया। मगर कुछ साल, 2-4 साल, 5 साल के बाद मुझे मालूम पड़ा कि 5 साल में उन्होंने जो अचीवमेंट दिया, 5 साल में उन्होंने जो अचीवमेंट दिया, उसके बाद मुझे लगा कि यार ये प्लेटफॉर्म में कुछ दम लगता है। फिर सोचा कि चलो डायरेक्ट नहीं जाना, इसको समझना है, तो इसको समझने की कोशिश की। समझने के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। समझ में आया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है। अब किसके कारण होता है ये समझने की कोशिश की। तो जो लोग बिजनेसमैन जो करते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, टीम बनाते हैं, टीम के साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं और लोगों को जोड़कर बड़ा बिजनेस डेवलप करते हैं। यही बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में और कुछ नहीं करना है, कुछ लीडर को सेट करो, लीडर के साथ बैठो, प्लानिंग करो और टीम बना के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते नहीं बोल रहा हूं, पैसा बनाते हैं, वही बिजनेस आपके पास है। अब इस बिजनेस से आप क्या कर सकते हो ये आपको सोचना है। समझने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि चलो नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है, तो शुरू किया। एक कंपनी में काम किया, करीबन 17 साल काम किया। 17 साल काम करने के बाद मैंने 9 गाड़ियां उसमें से भिन्न की थी। उसके बाद कुछ कारण वो कंपनी बंद हुई, हमने छोड़ा दिया, बंद हुई, तो एक और कंपनी में जुड़ गए। उस कंपनी में इंटरनेशनल कंपनी थी, उस कंपनी में मैंने 5.5 साल काम किया और 5.5 साल काम करने के बाद 6 कंट्री घूम के आया हूं मैं। उसने 6 कंट्री घूम के आया हूं और लास्ट में उस कंपनी ने प्लान चेंज किया। उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि अब उस कंपनी में काम नहीं करना है। जब डिसीजन लिया तो लास्ट टाइम मेरी इनकम थी 70,000 की इनकम को ड्रॉप किया और डिसीजन लिया कि अब इस कंपनी में काम नहीं करना है। रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद करना था नेटवर्क सर्च किया, मार्केट को सर्च करना शुरू किया। मेरे पास अभी भी लिस्ट पड़ा हुआ है, डायरी में लिखा हुआ है, 87 कंपनियों का प्लान देखा मैंने, 87 कंपनी का प्लान देखा, 87 कंपनी कौन सी जगह पर किस बंदे ने, किस लीडर ने बताई, उस कंपनी के प्लान में क्या प्रॉफिट है, क्या अच्छे पॉइंट है और क्या वीक पॉइंट है, सारे के सारे आज भी मेरे पास लिखे हुए हैं। यानी 87 कंपनियों का प्लान देखने के बाद एक डिसीजन पे आया, मैक्सनर करना है। 87 कंपनियों का प्लान देखने के बाद मैक्सनर को चॉइस किया है। आप समझ सकते हो कि इस प्लान में क्या हो सकता है। कम से कम इतना तो समझ ही सकते हैं कि 87 कंपनियों से तो अच्छा है, इतना तो समझ ही सकते हैं। उसके बाद डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद तुरंत खुद नहीं पढ़ाऊ। धर्मेश सर है जिसने मुझे ये कंपनी के साथ मिलाया है। धर्मेश सर को मालूम है करीबन 30 से 40 बार मुझे मिले होंगे। जितनी बार मिलते थे एक और सवाल होता। सारे के सारे सवाल का आंसर मिलने के बाद बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्तों स्टार्ट किया बिजनेस, समझ सकते हो, स्टार्ट किया। जो लोग हमें जानते हैं, जो लोग इस टीम को जानते हैं, हमारी टीम का नाम है
पीछे से आवाज है, गोल्ड ब्रिगेड। टीम का नाम है गोल्ड ब्रिगेड और शुरू करते हैं गोल्ड से ही, शुरू करते हैं गोल्ड से ही। गोल्ड से स्टार्ट किया था दोस्तों, करीबन 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है, 2.5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था दोस्तों। स्टार्ट करने के बाद करीबन 200 या 300 लोगों से मिले होंगे हम, 200 से 300 लोगों से मिले होंगे। कई सारे लोग आज भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं करीबन 30-40 बार एक एक बंदे को मिला होगा। 4.5 महीने तक, समझना दोस्तों, 4.5 महीने तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया था, 4.5 महीने तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया था, समझ सकते हो। यदि हमारे साथ आपके साथ हुआ होता तो क्या कर देगा, महीना 15 दिन काम करते एक ज्वाइनिंग नहीं आता, 5-10 बंदे को मिलते एक ज्वाइनिंग नहीं आता, तो कोई नहीं जुड़ रहा है, ऐसा काम नहीं करना है। 4.5 महीने तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया था दोस्तों, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हुआ। अभी 8 ही महीने हुए, 8 ही महीने हुए बिजनेस शुरू हुए थे, और 8 महीने में मैं आज आपके सामने खड़ा हूं ब्लू डायमंड लेवल पे। ये 8 महीने का बिजनेस है दोस्तों, ये 8 महीने का बिजनेस है ब्लू डायमंड का लेवल। अभी बताया कितना टर्नओवर मांगता है, उसके बाद है मिनिमम 1 करोड़ का टर्नओवर 8 महीने में दिया है। अरबाज सर को मैं गारंटी देता हूँ, मैं पूरा भरोसा देता हूँ अरबाज सर को कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि इस साल के अंत तक 2023 अप्रैल 2023 तक मैं आपको भरोसा देता हूँ सर, मैं CMD बन के दिखाऊंगा। ये हवा में बातें नहीं है, ये बातें हवा में नहीं हो रही, मेरे पास पूरा कैलकुलेशन है, पूरा प्लानिंग है, पूरा रोड मैप तैयार है कि कैसे करना है, कैसे करना है, पूरा रोड मैप तैयार है कि अप्रैल तक मेरे को CMD जाना है तो कितने लोगों की, कितने लीडर की जरूरत पड़ेगी, कितने टर्नओवर की जरूरत पड़ेगी, किस महीने में कितने टर्नओवर की जरूरत पड़ेगी, पूरा रोड मैप तैयार है, समझ सकते हो। अप्रैल तक यदि CMD चले गए इनकम कितनी हो सकती है कोई बताएगा, चलो उनकी बात छोड़ो दोस्तों, अप्रैल की बात छोड़ो, 23 अप्रैल फिर से मिलेंगे दोस्तों, भरोसा है CMD बन के आपके सामने खड़ा होगा। यहां तक मेरा मंजिल ये मेरी नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है, CMD बनना मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल है पर मंथ 1 crore, पर मंथ 1 crore इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेना है, और उसके लिए मेरे मुझे 50 साल की जरूरत नहीं है, उसके लिए 50 साल की जरूरत नहीं है, बैठे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, दिसंबर 2025 पर मंथ 1 lakh का चेक लेके दिखाऊंगा, ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको भरोसा दे रहा हूं दोस्तों। जय हिंद जय भारत के साथ मैं अपने लव पूरे करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।